अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खैरियो आफियत से होंगे। तो आज मैं इस अगेन एक और न्यू वीडियो, एक और कमाल की वीडियो लेके दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह हम आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं, आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी यहाँ पर उर्दू लिख सकते हैं मैसेज में, या किसी के उर्दू में बातचीत कर रहे हो या उर्दू में मैसेज आप कर सकते हैं। मिसाल तौर पे अगर आप वैसे उर्दू में लिखने के लिए आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, अगर मैं अमूमन आपको बताऊँ तो यहाँ पर मैं गूगल में आता हूँ, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश टू उर्दू सिंपली आप यहाँ पर लिखते हैं। तो सिंपली जैसे यहाँ पर इंग्लिश हो, इंग्लिश यहाँ पे आप कुछ भी लिख रहे हैं, मिसाल तौर पर हो टू, तो ये इंग्लिश में ट्रांसफ़र करता है। लेकिन आज की वीडियो में बात करेंगे, एक एप्लीकेशन लेके आया हूँ जिसकी मदद से आप अपने उर्दू में ही लिख सकते हैं, या आप इंग्लिश में लिखें वो खुद ब खुद वहीं पर ही उर्दू में ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो वो भी करने का तरीका इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझाने की बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जैसे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वो साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दिया, उसके बाद आपने एक और छोटा सा काम करना है कि हमारी वीडियो को लाइक कर देना है। वीडियो को लाइक करने से आपको इस तरह की अच्छी अच्छी हम वीडियो लेके आते रहेंगे, हमें पता चलता है लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको समझ आ रही है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे समझाने की बताने की कोशिश की गई है। तो अब यहाँ पे हमने देख लिया, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे मैं आता हूँ मैसेज में, तो किसी के भी यहाँ पे मैसेज अगर मैं लिखता हूँ तो इनको मैसेज नहीं होगा, इनको भी मैसेज नहीं होगा, ये देखें सारे कंपनी वालों के मैसेज है। तो कुछ ऐसा यहाँ पर जिसको रिप्लाई का ऑप्शन, ये देखें यहाँ पर रिप्लाई का ऑप्शन मौजूद है। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको दिखाने के लिए अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जैसे यहाँ पर इंग्लिश कीबोर्ड हमारा होता है, तो ये देखें मेरा उर्दू का भी ऑप्शन मौजूद है, मैं उर्दू भी लिख सकता हूँ। अब ये देखें इस तरीके से जो मैं उर्दू लिखना चाहूँ तो वो भी सिंपली यहाँ पर लिखी जा सकती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं, ये भी आप हो गया। अगर मैं सिंपली आपको यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, व्हाट्सएप ब्राउज़र ओपन करता हूँ, व्हाट्सएप ब्राउज़र ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पर मैं अगर किसी को यहाँ पर ग्रुप्स वगैरह में या कहीं और पे यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर लिखता हूँ, तो यहाँ पर मैं अगर मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करता हूँ ग्रुप्स पे, तो यहाँ पर मैं अगर सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ तो यहाँ आए, तो कुछ भी यहाँ पर लिखता हूँ। अगर यहाँ पर मैं देखिए ईजी उर्दू का ऑप्शन मौजूद है, इस पर ऊपर लिखने के बाद सिंपली मैं हेलो लिखता हूँ, तो ये देखें उर्दू में हेलो लिखा जाएगा क्या, तो ये देखें हेलो क्या हाल है, हाल है। तो देखिए जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ तो ये उर्दू में लिखता जा रहा है। तो इस तरीके से आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ तो उर्दू में भी आप लिख सकते हैं जो आप मैं लिखना चाहूँ। तो यहाँ पर मैं उर्दू में जो भी यहाँ पर मैं लिखूँगा वो सिंपली उर्दू में लिखा जाएगा, साफ तौर पर ये मुर्गा जैसे मैं स्पेस दूँगा वो उर्दू में लिखा जाएगा। तो जो भी मैं लिखना चाहूँ तो ये देखिए इस तरीके से उर्दू में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे उर्दू का ऑप्शन भी मौजूद है, तो आप यहाँ पे उर्दू में भी टाइप कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपको देखना है जो भी आपने बातचीत करनी है वो उर्दू में लिख सकते हैं। अगर किसी से पर्सनल चैट कर रहे हो तो वो भी सिंपली आप उर्दू में लिख सकते हैं। यहाँ पे ये देखें आपको किसी किस्म के कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इंग्लिश लिखते जाना है। साफ तौर पर क्या कर रहे हो, तो इस तरीके से आपने जैसे इंग्लिश में लिखना है तो ये उर्दू लिखता जाएगा। आपने यहाँ पे उर्दू में भी सिंपली टाइप कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से लिख सकते हैं आप, इसी उर्दू को बंद करके भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप करना है। अब सिंपली आपको एप्लीकेशन का डाउनलोड का तरीका बता देता हूँ, और साथ में आपको एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उसको यूज़ करना है वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी करा करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करने के बाद आपने वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपली आपके सामने प्ले स्टोर ब्राउज़र ओपन करता हूँ। तो फ्रेंड मैं जैसे ही यहाँ पे प्ले स्टोर ब्राउज़र ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने मिल रहा होगा। तो अब मैं यहाँ पर सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर आने के बाद सर्च बार वाले सेक्शन में आपने क्लिक करना है। यहाँ पर उर्दू इजी उर्दू या उर्दू कीवर्ड कुछ भी आप यहाँ पर सर्च करें, जो वाली वेबसाइट वो सिंपली मैं आपको बता दूँगा। तो
इजी उर्दू कीबोर्ड या उर्दू कीबोर्ड इजी उर्दू कुछ भी यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे दे सकते हैं। अगर मैं इजी उर्दू कीबोर्ड को अगर मैं काटता हूँ तो अगर ये देखे फिर भी आ रहा है इजी उर्दू में हमारा ही आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर उर्दू कीबोर्ड सिंपली अगर मैं सिंपली सर्च करता हूँ तो इन तीनों में से चारों में से कोई भी आप सर्च करें तो ये हमारा वाला टॉप पर ही आएगा। तो अभी यहाँ पे ये देख सकते हैं ये वाला मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, आपको भी रिकमेंड करता हूँ। इस तरह का इसका इंटरफेस है इजी उर्दू के नाम से। अभी इनकी अपडेट आई हुई है तो मैंने अपडेट नहीं किया यहाँ पर रेट दिस ऐप, तो ये आप रेट भी चेक करके दे इसको रेट भी कर सकते हैं। 81,000 इनके रिव्यूज़ हैं, 5.8 MB की फाइल है, 3+ की यहाँ पर इनकी रेटिंग है और 10 मिलियन इनके 1 करोड़+ इनके जो है ना वो डाउनलोडर है। नीचे इन्होंने वीडियो भी बना के दी है इसको यूज़ करने का तरीका और यहाँ पे इसको कुछ वैसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। नीचे इनकी रिव्यूज़ वगैरह भी आप सिंपली यहाँ पे दे सकते हैं, गूगल यूज़र एथेरियम मैन, उसके पास जेएम वकास, ये सब भी यहाँ पर नीचे इसकी एप्लीकेशन बाकी यहाँ पर मिलती जुलती ये बता रहा है। अगर मैं सिंपली बैग आता हूँ तो ये भी उर्दू कीबोर्ड वाली है, तो ये मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता इस वजह से आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। अगर तो ये वाकई ये देखकर गूगल किया तो ये भी आप यहाँ पर सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से जो आपको अच्छी लगे वो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर अभी इसको यूज़ करने का क्या तरीकाकार है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ। ऐसे मैं बैक आता हूँ, बैक आने के बाद सिंपली मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो जहाँ पर एप्लीकेशन पड़ी होगी तो आपने वहाँ पर जाना है तो आपने यहाँ पर देख लेना। तो मेरी एप्लीकेशन इधर पड़ी हुई तो मैं आपके सामने यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर जैसे यहाँ पर अभी ये पड़ी हुई थी कि तो ये मैं जैसे यहाँ पर सर्च करता हूँ, सर्च करने के बाद जैसे ओपन होता है अपडेट इजी उर्दू डाउनलोड 5.5 MB वैन और वाईफाई वैन और सबसे पहले यहाँ पर ये आपके सामने ऐड आएगा, आपने ऐड स्किप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपडेट भी कर सकते हैं इसको जिस तरीके से भी छोड़ देना। तो यहाँ पर ये आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे दिखा रहा होगा। तो यहाँ पे आने के बाद आसान उर्दू लिखने के लिए यहाँ पे भी सिंपली आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं मिसाल तौर पर, जब आप लिखेंगे तो आपके कीवर्ड में आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ कीवर्ड तो वो सिंपली सारा आ जाएगा। अगर मैं इसको सर्च करता हूँ तो ये सारा इसके इंस्टॉल एप्लीकेशन ये वो सारा प्रोसेस यहाँ पर बता रहा होगा। इस तरीके से आप इसमें यूज़ करें, लेकिन यहाँ पर जब आप इसको यूज़ करेंगे आपको यहाँ पर यूटिलिटी बिल्स की मालूम हासिल करें, उसके बाद उर्दू एडिटर, ये डिसेबल थीम, उसके बाद ये थीम भी दे रहा है नो ऐड। अगर मैं नो ऐड वाले सेक्शन में क्लिक करता हूँ तो पेमेंट मेथड ये कह रहा है कि आपने पेमेंट करनी होगी। इजी पैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर इसका एक ही है कि ऐड वगैरह कभी कभार आपको दे देता है। अगर आपको ऐड नहीं चाहिए तो यहाँ से आप पेमेंट वगैरह भी करके आप सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। अगर मैं थीम वाला सर्च में यहाँ पर थीम भी बता देगा कीबोर्ड के थ्रू तो वो भी सिंपली आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा रुपये ये वाला मैं लगाना चाहूँ तो वो भी मैं सिंपली यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने करना है। तो जैसे अप्लाई करते हैं तो ये आप थीम लगा सकते हैं इस तरीके से आपने। दोस्तों मैं कहता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तमाम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।